14 फरवरी साल 2019 को आतंकवादियों ने कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर खौफनाक हमला किया था। इस हमले में 40 जवानों की शहादत हुई और तमाम घायल हुए थे। आज ही के दिन करीब 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 2500 जवानों को लेकर जा रही 78 बसों के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटकों से लदे वाहन को जवानों के बस से जा मारा। इसके बाद हुए भयानक धमाके में करीबी बस के परखच्चे उड़ गए थे। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मेरे दिल में भी वैसी ही आग है जैसी आपके दिलों में है, सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा। और जल्द ही भारतीय सेना के जाबाज कमांडोज ने दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। तारीख थी 26 फरवरी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर मौजूद कई आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। यूनाइटेड नेशंस सहित दुनिया भर के तमाम देश आतंकवाद से जुड़े इस मुद्दे पर भारत के समर्थन में आए थे।